वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मैं जाम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। आज हम बात करेंगे बेबी डॉजकॉइन के बारे में। एक्चुअली मैं ये वीडियो आज नहीं आने वाला था बट आज आया। बिकॉज ऑफ रीज़न क्या था, कल मैंने बेबी डॉजकॉइन के बारे में वीडियो बनाया और कल जो कमेंट था वो सारे कमेंट मैंने पढ़े थे और मेरे भाई जो है पैनिक में है। काफ़ी मेरे भाई ने नेगेटिव आई थिंक यहाँ पर जो है कमेंट किया है। कहीं ना कहीं उसका रीज़न भी है, आज इस वीडियो के अंदर उसको आंसर करूंगा और क्या रीज़न है और क्यों मैं इसके लिए वीडियो बनाता हूं और क्या ये रियलिटी में फेक है। वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये बिल्कुल लाजमी है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी अगर बर्निंग हो बेबी डॉजकॉइन का या किसी भी अदर प्रोजेक्ट का और उसके अंदर कोई इम्पैक्ट ना देखने को मिले, ये चीज़ थोड़ा सा कंसर्निंग था। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था, उल्टा पंप की जगह डंप हुआ, 1709 पे गया। अभी भी देख सकते हो थोड़ा सा पंप जरूर हुआ था जब बर्निंग हुआ था 2200 के अराउंड, लेकिन अभी भी जो है 1800-1850 का अराउंड यहाँ पर घूम रहा है हमारा बेबी डॉजकॉइन। काफ़ी मेरे भाई का जो है ना पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, माइनस में, तो लाजमी है भाई पैनिक तो होगा ही, किसी को भी हो सकता है अगर उसका पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा हो। लेकिन आप जा गौर करना अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, क्या सिर्फ बेबी डॉजकॉइन ही लॉस में है? क्या कोई और अल्ट कॉइन लॉस में नहीं है? क्या सब में आप प्रॉफिट में, सिर्फ बेबी डॉज में लॉस में हो? ये चीज़ मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा चीज़, मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ? बिकॉज ऑफ बहुत बड़ा कम्युनिटी बेस इसके साथ है। हाँ ये चीज़ बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, 420 क्वाट्रिलियन BSC के ऊपर है, 420 क्वाट्रिलियन इथेरियम के ऊपर है, ये भी बिल्कुल राइट है। हालांकि इथेरियम वाला मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता सब बर्निंग होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर सप्लाई रहेगा। BSC वाला भी मैक्सिमम यहाँ पर बर्निंग होता हुआ जा रहा है, समय लगेगा लेकिन बर्निंग होगा और बर्निंग के साथ साथ ये जरूर अपना रूप रंग भी चेंज करेगा। 1.9 मिलियन, हालांकि 1.95 मिलियन हो चुका है ट्विटर फ्लोर। देखो यार फ्लोर्स कितना ज़्यादा है, कम्युनिटी बेस होल्डर कितना ज़्यादा है, कितना अच्छा ये काम कर रहा है, चैरिटी डोनेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा बड़ा नाम जो है इसके साथ जुड़ता हुआ जा रहा है, काफ़ी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एलन मस्क ने काफ़ी टाइम पहले स्टार्टिंग में ही बेबी डॉज डू 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 एक ट्वीट किया था। कहीं ना कहीं इन सब को देखते हुए दोस्तों मैं इसको सपोर्ट इसलिए भी करता हूँ, क्या पता आने वाले समय के अंदर ये अपना रूप रंग चेंज करे, क्या पता आने वाले समय के अंदर जैसे डॉज क्वेन ने किया। भाई डॉज क्वेन का भी काफ़ी सारे सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी टॉप 10 के अंदर आएगा और इतना बड़ा प्रॉफिट देगा, नहीं किसी ने सोचा था। आप जाके केक की वीडियो मेरी आई थी ना पैनकेक स्वैप के रिलेटेड, 2 दिन पहले वीडियो आई थी, उसके ऊपर मैंने स्नैपशॉट दिखाया था 2018 का भी कॉइन मार्केट कैप का, 2020 का भी, उस पर जाके देखना डॉज क्वेन का कहाँ पर नंबर आता था, किस जगह पर डॉज क्वेन था, क्या टॉप 10 के अंदर था भी कि नहीं था। बिल्कुल दोस्तों आज हमारा डॉज क्वेन का अगर मैं दिखाऊं तो भाई टॉप 8 के अंदर है। जी हाँ दोस्तों ये चेंज करता है रूपरेखा। शिवाइनू जो 2020 के अंदर आया, ट्रिलियन के अंदर सप्लाई था, क्वार्टिलियन 1 क्वार्टिलियन उसका भी था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई कभी ये टॉप 15 के अंदर आएगा, टॉप 20 के अंदर आएगा, आज के डेट में है। जब ये 5 ट्रिलियन का पूरा ओवरऑल मार्केट कैप बनेगा तो क्या क्वार्टिलियन वाले सप्लाई वाले भी कॉइन जो है कुछ ऊपर नहीं आएगा? मैं ये नहीं बोला कि $1 या 1 रुपया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल चांस है ही नहीं यार, मैं मुश्किल चांस क्या बोलूँगा। लेकिन क्या 2 से 3 0 किल नहीं हो सकता? 100% हो सकता है, ईजिली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 2 से 3 0 अगर किल होगा यानी कि 100x से 1000x प्रॉफिट मिलेगा तो क्या कम है क्या? बिल्कुल भी कम नहीं है और मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ और ये चीज़ होगा नेक्स्ट बुल रैली में, ज़्यादा मैक्सिमम चांस होगा बिकॉज ऑफ बर्निंग भी काफ़ी हो चुका होगा, सप्लाई रिड्यूस हो चुका होगा, हाइप इसका बनेगा, काफ़ी कम्युनिटी बेस है, तो ज़रूर ये चीज़ होगा। बट हमें पेशेंस रखना होगा, पैनिक में नहीं आना है। देखो यार अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में भी है तो अगर अभी आप बेचोगे, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लॉस में बेचने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा होल्डिंग बना के रखे। मैं बीच बीच में क्यों इसके बारे में बताता हूँ, मुझे लगता है कि अगर क्विक थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर मिल जाए तो जो शॉर्ट टर्म में है ना थोड़ा थोड़ा हम प्रॉफिट भी इससे निकालते रहे, फिर एंट्री करते रहे, फिर प्रॉफिट निकालते रहे, तो इससे जो है कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट भी निकलता रहेगा, इसलिए मैं इसके बारे में बार बार बताता हूँ। और कोई ऐसा इवेंट आता है ना तो मैं इसके बारे में जरूर आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई यहाँ पर आप बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो, है ना, इसलिए कि हमें और आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए साइड से। बाकी लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो के अंदर ये भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो टॉप 100 के अंदर, टॉप 50 के अंदर बेबी डॉजकॉइन आएगा और हम सबको एक कमाल का प्रॉफिट देगा, 2 से 3 0 इजीली किल करेगा।
मेरा यह मानना है और मैं इसलिए इसको आई थिंक आप सबको रिकमेंड करता हूँ, इसलिए मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। अब ये नहीं कि आपको बोलूँगा भाई 50,000-1,00,000 रुपया लगा दो इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं लगाओ। 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 जो भी आपका बजट है बस उसी के अंदर में रह के लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना। अब भी अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। क्या अब भी आप पैनिक में हैं? वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, भाइयों के साथ, ताकि उसका भी पैनिक जो है उसका भी अंदर से जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा रिड्यूस हो। डॉज कॉइन को देखें, शिवा को देखें, कुछ पॉजिटिविटी आए और वो भी होल्डिंग बना के रखें। जाओ तो बाकी मिलता है नेक्स्ट में, आज कितना ही है, गुड बाय।